नमस्कार दोस्तों, नाम गीतांजलि बजाज, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मोदी के मैजिकल प्रोडक्ट्स के पावरफुल डेमोस। अगर आप इसको इस्तेमाल करके शेयर करेंगे, इस YouTube वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और लोगों को अपनी टीम को शेयर करेंगे तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले टूथपेस्ट और टूथब्रश से। तो आइए जानते हैं मोदी के में ऐसा कौन सा मैजिकल टूथपेस्ट है जिससे हमारे दांतों की प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। ये है हमारा फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टीथ की, दांतों के ऊपर एक एनेमल होती है, जब जब भी हम कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं तो वो एनेमल उतरनी शुरू हो जाती है, जिससे मतलब अगर कोई खुरदरे पार्टिकल्स उसके अंदर है, रेगुलर यूज करते करते उसमें स्किन दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है और जब भी हम कुछ खाते पीते हैं ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर बार बार पानी भी पड़ेगा ना तो खड्डा हो जाएगा। बट दोस्तों आइए देखते हैं, डेमो के थ्रू जानते हैं कि कैसे ये चीज ये हो सकता है। ये मार्केट का जाना माना ब्रांड है, आइए हम देखते हैं कैसे ये काम करता है और कैसे टूथपेस्ट काम करता है फ्रेश मूवमेंट। ये हमने मार्केट का ब्रांड लगाया है। कहते हैं दांत को 32 बार रब करना होता है, 32 टाइम ब्रश करना होता है, तो हम काउंट करते हैं एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 32। आइए दोस्तों देखते हैं आखिर क्या हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जो पेंट है आप देख पा रहे हैं वो उतर गया, बिल्कुल वाइट हो गया। तो दोस्तों जब हम पेस्ट यूज करते हैं हमारे टीथ की क्या कंडीशन होती है आप समझ पाएंगे। आइए अब यूज करते हैं मोदी केयर का फ्रेश मूवमेंट। अगर इसकी बात की जाए, इसमें स्पा है, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट्स हैं जो हमारी एनेमल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मैंने दूसरी जगह पर इसको अप्लाई किया है, इसको भी हम 32 बार ही करेंगे और आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसको भी काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसने ऐसा क्या कुछ किया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कोई पेंट नहीं उतरा है, मतलब अगर हम बात करें अपने पेस्ट की, इसमें ज़ाइलेटोल है जो कैविटी को कंट्रोल करेगा, कैविटी नहीं होने देगा। तो दोस्तों ये हमारा पावरफुल टूथपेस्ट। सेकंड बात करते हैं, हमने पेस्ट कर लिया, फिर हम खाना वगैरह बनाएंगे, मसाले यूज करेंगे, हमारे बर्तन खराब हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारे पास एक पावरफुल डिश वॉशिंग लिक्विड है। अगर इसकी बात करें तो एक डेमो के थ्रू जानते हैं कितना पावरफुल तरीके से तो काम करेगा ही। डिफरेंट जितने भी टाइप के दाग होते हैं, जितने दाग होते हैं, अगर बात करें वेज है, नॉन वेज है या ऑयल के, डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स के दाग होते हैं बर्तनों पर, ये बहुत अच्छे से क्लीन कर सकता है। ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, एक डेमो के थ्रू जानते हैं। मैंने ये पानी लिया है दोस्तों, मैं पीकर दिखाती हूँ कि सिंपल पानी, इसमें कुछ भी डाला नहीं गया है। अब हम एक तीली लेंगे माचिस की मैचस्टिक्स के थ्रू और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिखाने के लिए कि जैसे अगर हम बात करें रूह अफजा की बोतल और पेप्सी की बोतल, तो आप रूह अफजा की बोतल से क्या कर सकते हो, रूह अफजा की बोतल से बहुत सारी बोतल्स बना सकते हो। ऐसे ही अगर हम वंडर ड्रॉप की बात करें, इसका नाम है वंडर ड्रॉप, ये एक ही ड्रॉप में जादू कर सकता है। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक माचिस की तीली ली है, उसके अंदर लिक्विड डाला है और इस पानी के अंदर इस माचिस की तीली जितना ये लिक्विड इसके अंदर डालेंगे और आइए देखते हैं ये क्या काम कर सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी सारी इसने झाग बना दी है, मतलब फोम बना दी है। आप इसे बर्तन तो नहीं साफ कर सकते, बट ये दिखाने के लिए कितना कॉन्सेंट्रेटेड है कि आप बहुत सारे लिक्विड तैयार करके रख सकते हैं। एक बोतल से आप 5,000 बर्तन साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि अब हमने बर्तन साफ करने हैं तो कोई ना कोई हमें स्क्रब भी चाहिए। अगर हम बात करते हैं हमारा वंडर स्क्रब भी 4 की पैकिंग में आता है, इसको नाम स्टील वूल भी बोला जाता है, जिससे वूल बहुत सॉफ्ट होती है। ये स्टील वूल है, ये सिंगल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं, ये बहुत, अगर बात करें बहुत सॉफ्ट है, आपके बर्तनों पर स्क्रैच नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर अपनी साड़ी के ऊपर भी करके दिखाऊँ तो देखिए कोई भी टाइप का धागा नहीं खींच रहा है। अगर मैं फेस पर भी दिखाऊं तो किसी भी टाइप का मुझे रैश या कोई स्क्रैच नहीं फील हो रहा है। तो इतना सॉफ्ट है कि अगर आप बर्तन साफ करेंगे तो आपके हाथ भी सेफ रहेंगे और आपके बर्तन भी सेफ रहेंगे, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे पास एक ऐसा पावरफुल क्लीनर है, अगर बात करें डज ऑल मतलब सब कुछ करता है, वो सारी चीजें जिसके लिए पानी यूज करते हैं उसके लिए डज ऑल से आप क्लीन कर सकते हैं।
आपके घर में बर्तन साफ करने का लिक्विड नहीं है, बर्तन साफ कर सकते हैं आप, कपड़े धो सकते हैं आप, दीवारें साफ कर सकते हैं, कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। आई एक डेमो के थ्रू इसको जानते हैं। ये मैंने लिपस्टिक ली है, मैं तीन दाग दिखा रही हूँ आपको। ये पहला दाग है जो मैंने लिपस्टिक का लगाया, आप देख पा रहे हैं। सेकेंड मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पर हमारे शू पॉलिश का दाग। शू पॉलिश में तो ग्रीस वगैरह लग जाती है हमारे दुपट्टे वगैरह पर, तो हम उसको भी साफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पर ग्रीस मतलब शू पॉलिश का दाग लगाया। और तीसरा अगर मैं दाग करूँ तो मैं यहाँ पेन का दाग लगा रही हूँ। तो दोस्तों आपके सामने तीन दाग है, आइए देखते हैं डज ऑल कैसे जादू कर सकता है, कैसे कमाल कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों पर लगाऊंगी और आइए देखते कितना टाइम लगेगा इसको साफ होने में। तो आप देख पा रहे हैं मैंने लिक्विड लिया है और मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। दोस्तों इसमें कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव है, इससे आप हैंड वॉश भी बना सकते हैं, ये हाथों को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, इवन आपके हैंड्स को बहुत सॉफ्ट बना देगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव है। आइए जितनी देर में आपसे बात कर रही हूँ उतनी देर से जादू कर दिया है। तो मैं पेपर कपड़े साफ करके दिखाती हूँ कि कैसे इसने काम किया। तो दोस्तों आपके सामने बिल्कुल साफ है और मैंने इसको क्लीन किया अपने हाथों से उतार कर, और आप देख पा रहे मेरे हाथों पर कुछ भी नहीं है। बट अब कहाँ आ गया ये, अब आ गया कपड़े के ऊपर। आइए देखते हैं कि इसके लिए दोबारा लिक्विड लगाना पड़ेगा। दोस्तों नहीं, इसके ऊपर जो लिक्विड लगा हुआ है ये अपने आप काम करेगा उसके लिए। तो देखते हैं क्या ये इसको साफ कर देगा ऐसे ही बिना दोबारा लिक्विड अप्लाई किए। आप देख पा रहे हैं इसने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, कोई भी दाग इसके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास है जैसे डज ऑल की बात की, ऐसे हमारे पास है प्री वॉश डर्ट एंड स्टेन रिमूवर विद एंजाइम। फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें, जैसे इसका नाम प्री वॉश, वॉश करने से पहले कपड़े पर कोई भी दाग लगाए, अगर बात करें सिल्क और वूलन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सारे फैब्रिक के लिए बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। कोई भी जिद्द से जिद्द दाग है, इंक का दाग है, बच्चे स्कूल जाते हैं व्हाइट कलर की शर्ट के ऊपर इंक लग जाती है, या फिर आप खाना बना रहे हो सब्जी का दाग लग जाता है, ग्रीस का दाग लग जाता है, प्रोटीन है, ब्लड है, किसी भी टाइप के दाग पर बहुत अच्छा काम करता है। एक डेमो के थ्रू जानते हैं। नॉर्मल हम खाना बना रहे होते हैं तो कोई ना कोई सॉसेस भी हमारे कपड़ों पर गिर जाती हैं और ऐसे जितने दाग हो जाते हैं जो आसानी से उतरते नहीं है। तो मैं एक एंटी के ऊपर व्हाइट कलर के मैं आपको एक दाग लगाकर उसको क्लीन करके दिखाऊंगी। मैंने सोया सॉस लिया है और सोया सॉस को मैंने लगा दिया यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं मैंने ये दाग सोया सॉस का लगा दिया। आइए देखते काम कैसे करेगा हमारा प्री वॉश। आपको क्या करना है, ये जो प्री वॉश है जहाँ जहाँ दाग लगा है सिर्फ उसी एरिया पर अप्लाई करना है, पूरे कपड़े पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसी एरिया पर लगा रही हूँ जिस एरिया पर हमने दाग लगाया है। तो इसको लगाकर हम 5 मिनट मैक्सिमम इसको छोड़ेंगे। जब आप नॉर्मल कपड़े वॉश करोगे, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, जब आप नॉर्मल कपड़े वॉश करोगे, आप बकेट वॉश करते हो, आप मशीन में धोते हो, सेमी है या फुल्ली है, आपको क्या करना है, कपड़े धोने से 15 से 20 मिनट पहले आप उसको सारे एरियाज पे लगाना है जहाँ जहाँ दाग है। उसके बाद नॉर्मल वॉशिंग करेंगे, आपको कहीं से दाग भी दिखाई नहीं देगा। और जैसे मैंने बोला सिल्क और वूलन के लिए नहीं है, तीन दाग की गारंटी नहीं है, एक जंग का दाग, एक पान की पीक का दाग, और एक कपड़े से दूसरे कपड़े का जो कलर चढ़ जाता है उसके दाग की गारंटी नहीं है, बाकी कोई भी दाग है। हाँ अगर कपड़ा धुल चुका है, दाग बहुत पुराना है, तो इट विल टेक टाइम, फिर आपको 2-3 बार के बाद इसका रिजल्ट मिले, हो सकता है आपको जल्दी भी मिल जाए। तो ये जब तक ये अपना काम करेगा मैं अगला डेमो दिखाने जा रही हूँ। दोस्तों ये हमारे पास है सिल्वर डिप, 3 मिनट में चांदी साफ करे बिना काटे, और अगर ये चांदी का टेस्टर भी है, अगर आपके पास जो भी चांदी है जैसी भी चांदी हो, मैंने ये चांदी का सिक्का लिया है, आप देख पा रहे हैं चांदी का सिक्का कितना काला हुआ है, जितना भी खराब से खराब या काले से काली चांदी होगी ना, ये बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए, इसमें छोटी सी आप देख पा रहे हैं इसमें छोटी सी बास्केट बनी हुई है, अगर आपकी चांदी की कोई भी चीज़ है, जो अगर पाजेब है कोई भी चीज़ है, अगर इसी बास्केट के अंदर आती है तो वैसे डिप कीजिए, अदरवाइज अगर कोई बड़ी चीज़ है लाइक गणेश जी होते हैं, लक्ष्मी जी हैं, या चांदी के यूटेंसिल्स होते हैं, आप कांच का बर्तन, शीशे का कांच का बर्तन ले सकते हैं, उसके अंदर इस लिक्विड को डालकर आप अपना चांदी का यूटेंसिल जो भी चीज़ है उसको डालिएगा, बिल्कुल 3 मिनट के अंदर साफ करते जाएंगे तो चांदी बिल्कुल साफ हो जाएगी, मतलब आपके आर्टिकल्स को बिल्कुल नया बना सकते हैं, और जैसे मैंने बोला बिल्कुल चांदी का टेस्टर भी है।